हमने क्लास नंबर 26 और आज कितनी है क्लास नंबर 27। तो क्लास नंबर 26 से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने तो रोमन सिस्टम या रोमन पद्धति को देखा था जिसमें हमारे पास में सात प्रतीक या सात सिंबल होते हैं। जैसे 1 को आई कहते हैं, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। ये सभी होते हैं। और जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं वो क्लास नंबर 9 से, कितने नंबर से, क्लास नंबर 9 से अपना देखना स्टार्ट करें और रोज की 2 क्लास, डेली की 2 क्लास, 2 क्लास देखते रहे और उन क्लासेस को पूरा करें। अगर उनके कोई भी डाउट हो तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दे, फिर मैं उनका डाउट यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में पहले वहां से देखते हैं। ये हमारे 7 सिंबल से 7 प्रतीक होते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि जो आई एक्स सी और एम, यानी 1, 10, 100 और 1000, ये हमारे मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वी एल ओ डी 550 और 500 को देखें तो इनको हम क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक नियम पढ़ा था हमने जी एस ए का और एस जी एस का देखा था। जी एस ए का मीन्स क्या हो गया, ग्रेटर स्मॉलर और एडिशन, यानी कि ग्रेटर यानी बड़ी संख्या, स्मॉलर यानी छोटी संख्या और एडिशन यानी जोड़। यानी कि ग्रेटर लेफ्ट साइड में कौन, ग्रेटर बड़ी, राइट साइड में दाई और कौन, स्मॉलर छोटी, और उसके साथ में क्या होगा तब जोड़ हो जाएगा। इसी तरह एक एस जी एस का रूल देखा था जिसका मीन्स क्या था, स्मॉलर ग्रेटर और सब्ट्रैक्शन। अगर आपके लेफ्ट साइड में स्मॉलर है, राइट साइड के अंदर ग्रेटर संख्या है, तो आप क्या करोगे, हमेशा सब्ट्रैक्शन करोगे। यानी कि अगर बाई और लेफ्ट साइड में अगर छोटी संख्या है, दाई और राइट साइड में बड़ी संख्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो आपको दोनों बातें याद रखना है, जी एस ए का रूल और एस जी एस का रूल दोनों याद रखना है। जी एस ए का मतलब ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, बड़ी संख्या छोटी संख्या जोड़, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, छोटी संख्या बड़ी संख्या घटाव। चलिए फिर कुछ घटाने के नियम देखे थे। जो आई होता है वो केवल वी और एक्स में से माइनस किया जा सकता है, यानी कि जो 1 है वो केवल 5 और 10 में से माइनस किया जा सकता है। और जब माइनस करोगे तो स्मॉलर नंबर किधर आएगी, आप बोलोगे सर माइनस कर रहे हैं यानी सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, एस का, एस जी एस का रूल लगेगा। यानी पहले आएगी स्मॉलर छोटी संख्या, फिर ग्रेटर बड़ी संख्या, और उसके बाद में कौन आएगा आपके सामने, सबट्रैक्ट घटाव आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, आई वी लिख सकते हैं या फिर आई एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आई एल, आई सी, आई डी और आई एम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो आई होता है वो केवल वी और एक्स में से ही माइनस किया जा सकता है। और माइनस करने के लिए हमें स्मॉलर नंबर को किधर रखना पड़ेगा, आपको सर स्मॉलर नंबर को आपको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। फिर जो एक्स होता है 10, ये आपका किस में से माइनस हो सकता है, एल और सी में से माइनस हो सकता है, यानी कि 50 और 100 में से माइनस किया जा सकता है। इसी तरह आप एक्स एल लिख सकते हो और एक्स सी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने एक्स आई लिख दिया, आई लिख दिया मतलब पहले कौन सा लिख दिया, ग्रेटर, उसके बाद में क्या लिख दिया, स्मॉलर, यानी पहले बड़ी संख्या उसके बाद में छोटी संख्या, कौन सा रूल लग गया, जी एस और ए का रूल लग गया। इसी तरह एक्स भी लिखोगे यहाँ पर भी जी एस और ए, ए का मतलब एडिशन जिसे कहते हैं जोड़, एक्स डी और एक्स हम नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह जो आपके सामने सी है 100 है, ये किस में से माइनस किया जा सकता है, डी और एम में से माइनस किया जा सकता है, यानी कि जो 100 होता है उसे आप 500 और 1000 में से घटा सकते हो। इसी में भी कौन सा रूल लग जाएगा, सी डी और सी एम लिख सकते हो, लेकिन बाकी जगह अगर आपने सी आई लिखा, सी बी लिखा, सी एक्स लिखा, सी एल लिखा, क्योंकि आई का मतलब 1, बी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10 और एल का मतलब 50 या 50 होता है। इसका मीन्स कि अगर आपने पहले ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या लिखी है, बाद में स्मॉलर नंबर छोटी संख्या लिखी है, तो कौन सा रूल लगेगा, आपको कैसे जी एस और ए का रूल लग जाएगा, यानी यहाँ पर क्या कर दोगे आप, एडिशन या जोड़ कर दोगे। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पर हमें देख लिया कि आई वी और एक्स में से, क्योंकि आई के बाद में टू कौन, टू काउंट कर लो वी और एक्स, एक्स के बाद में टू काउंट कर लो एल और सी, सी के बाद में टू काउंट कर लो डी और एम आ जाता है। इसी तरह अगर किसी रोमन नंबर के ऊपर, अगर आपने किसी रोमन नंबर के ऊपर अगर बार लगा दी, तो ये रोमन नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000, रोमन नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई के ऊपर हमने बार लगाई तो मल्टीप्लाई 1, तो 1000 हो गया। इसी तरह अगर हम देखें एल, एल के ऊपर बार लगाते कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाई 1000, 50000। इसी तरह एक्स आई के ऊपर बार लगाए तो आई 11 मल्टीप्लाई 1000, 11000 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या देखे थे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम हमने देखे थे। ये देखना क्या होता है, सबसे पहले रूल ऑफ टू, दो का नियम देखो। दो का नियम क्या होता है, दो का नियम ये होता है कि अगर कोई भी आपके सामने नंबर या संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, अगर आपके सामने कोई भी नंबर या संख्या दे रखी है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपके सामने कोई भी नंबर दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई भी नंबर, या जिसे हिंदी में कहते हैं आपके सामने कोई भी संख्या अगर दे रखी है, तो उसकी जो वंश डिजिट है, कौन सा डिजिट है, वंश डिजिट जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक, इस वंश डिजिट या इकाई के अंक पर अगर 0, 2, 4, 6, 8,
जीरो दो चार छह और आठ अगर हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होगी? आपको क्वेश्चन, वो नंबर दो से विभाज्य होगी। किससे होगी? दो से विभाज्य होगी, यानी कि वो नंबर दो से डिविजिबल होगी। ठीक है, कैसे? अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2 4 6 8 5 2 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 9 7 3 5 और 0 लिखा हुआ है, इसी तरह एक लिखा हुआ है 7 6 3 5 4, एक लिखा हुआ है 5 6 4 7 और 8 लिखा हुआ है। अब देखिएगा, जब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो वंश डिजिट, अब देखो इकाई का कौन सा होता है, ये वाला इकाई का अंक होता है किसी भी नंबर में, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये तो होता है। तो वंश डिजिट कौन सा हो गया? इकाई का अंक, ये वाला हो गया। इसी तरह इसमें इकाई का अंक या वंश डिजिट 0, इसमें इकाई का अंक या वंश डिजिट 4, इसमें इकाई का अंक या वंश डिजिट कौन है, 8 या 8 है। अब देखिएगा यहाँ पर कितना, 2, क्या ये इस ग्रुप में से 0 2 4 6 8 वाले में से? आप हो गए, तो इसी में से। इसका मीन्स कि ये किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। इसी तरह इसमें 0 आया तो वो भी आपका उसी ग्रुप में, क्योंकि 0 2 4 6 8 आना चाहिए, 0 2 4 6 8 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब कि ये भी 2 से विभाज्य है, 2 से डिविजिबल है। इसी तरह अगर इसमें 4 देखें तो आपको क्वेश्चन, ये भी उसी ग्रुप में से तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 से डिविजिबल है। 8 आया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिविजिबल है, 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने रूल पढ़ लिया कि अगर किसी भी नंबर के वंश डिजिट या इकाई के अंक पे अगर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे बढ़ते, आपने डिवीजन किससे करोगे? चलिए, रूल ऑफ टू, 2 का नियम, रूल ऑफ टू या 2 का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी नंबर है उसका जो वंश डिजिट या इकाई का अंक है वो आपका 0 2 4 6 8 अगर हो तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगी या 2 से विभाज्य होगी। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं उन सभी के अंदर वंश डिजिट या इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 0 2 4 6 8 है, तो वो नंबर क्या होगी आपकी, 2 से डिविजिबल या विभाज्य होगी। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल या 2 से विभाज्य, इसका मीन्स क्या हुआ कि वो नंबर ये क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नहीं है, सम नंबर कौन सी होती है? आप कहते हो सर वो सभी नंबर जिनके अंदर 2 का भाग जाता है, या वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल होती है। ठीक है, इसका मीन्स कि इवन नंबर के लिए भी क्या 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 कह सकते हो कि इवन नंबर वो सभी नंबर्स होती हैं जिनके वंश डिजिट पर या इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 अगर हो तो वो नंबर आपके इवन नंबर या सम संख्या कहलाएगी। रूल ऑफ थ्री, 3 का नियम, हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर है उस नंबर के सबसे पहले आप उसके जो डिजिट्स है, नंबर के जो डिजिट्स होते हैं या नंबर के जो संख्या के अंक होते हैं उनका क्या करो, सबसे पहले सम कर लो, यानी कि उनका योग कर लो। जैसे यहाँ पर हमने सभी डिजिट्स का या सभी अंकों का क्या कर लिया, आपको कैसे सभी अंकों या सभी डिजिट्स का हमने योग कर लिया, योग करने के बाद में, सम करने के बाद में हमारे पास आंसर कितना आया, 21। अब उस 21 जो आंसर आया या फिर जो सम या जो योग आया उसके अंदर क्या करना है, 3 का भाग देना है या 3 से उसको डिवाइड करना है। 21 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास में शेषफल रिमाइंडर कितना रहा, आपको कैसे 0 रहा। अगर आपके पास किसी भी नंबर का शेषफल रिमाइंडर 0 रहता भाग देने के बाद में या डिवाइड करने के बाद में तो वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, यानी कि पूर्णतया विभाजित होती है। इसका मीन्स कि जो 21 है वो 3 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि जो 21 है वो 3 से क्या है, आपको सर ये पूर्णतया विभाजित है। क्यों? क्योंकि जब हम 21 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 21 में 3 का भाग कर रहे हैं तो हमारे पास में शेषफल या रिमाइंडर 0 रह रहा है। इसका मीन्स कि अगर किसी भी सम में जब डिजिट्स का आपने सम कर लिया, डिजिट्स का योग कर लिया, अगर डिजिट्स के सम में अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और शेषफल रिमाइंडर आपके पास में 0 रह रहा है तो आप वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में अगर आप 3 का भाग कर रहे हो और आपके पास में शेषफल 0 रह रहा है, इसका मीन्स कि वो नंबर 3 से पूरी पूरी भाज्य
होगी, कब, जब उसके डिजिट्स के सम में, किसमें, अंकों के योग में आपको तीन का भाग देना है, डिजिट्स के सम में आपको क्या करना है, थ्री का डिवाइड करना है, ठीक है। एक छोटा सा रूल था। फिर रूल ऑफ फोर क्या था, रूल ऑफ फोर ये कहता है कि कोई भी आपके पास में जो रूल ऑफ थ्री समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, चलो दोबारा बताते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये देखिएगा, अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब आपके सामने एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, 4, 6, 3, 4, 2, ये मुझे नहीं पता कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं, ठीक है, हम अभी पता करेंगे। देखो अगर आपको रूल ऑफ थ्री लगाना है, क्या लगाना है, तीन का नियम लगाना है, तीन का नियम, या जिसे कहते हैं रूल ऑफ थ्री लिखना है, पता करना है, ठीक है। चलिए पता करते हैं रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री के लिए अभी भी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपके सामने जो भी नंबर लिखी है उसके जो डिजिट्स हैं, उसके जो डिजिट्स है उसका सम कर लो। हिंदी में इसी बात को कहें तो उसके पास में जो अंक है उन अंकों का क्या कर लो, योग कर लो। चलिएगा ये काम कर लेते हैं। तो आपका क्या कहोगे, सर इसके अंदर आपके पास में जो डिजिट्स हैं वो एक तो 4 है, एक 6 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 2 है, ये सभी तो आपके पास में इसके अंदर डिजिट्स या अंक है, इन सभी का क्या कर लो आप, सम या इन सभी का योग कर लो। चलिएगा करते हैं। 4 और 6 कितने हो गए, 10, 4 और 6 कितने होते हैं, 10। 10 के अंदर अगर 3 ऐड कर दें, 10 में 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 है 13। अब बताओ 13 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा, 17। 17 में 2 ऐड करो तो कितना हो गया, 19। और इस तरह आपके पास में टोटल, नहीं बीच में बोलना नहीं है, देखो माइक ऑन नहीं करना है, हाँ आपको बोलना है लेकिन माइक ऑन करके नहीं बोलना है, मन मन में बोलना है, क्योंकि माइक ऑन करने से क्या होगा, फिर सभी बच्चे डिस्टर्ब होंगे और फिर क्लास चल नहीं पाएगी। मेरे साथ में बोलना जरूर, आपको नहीं बोलोगे तो फिर आपकी क्या होगी, लर्निंग नहीं हो पाएगी, आप इसको समझ नहीं पाओगे, आपको याद नहीं रहेगा, आपको बोलना है लेकिन माइक ऑन, माइक ऑफ करना है, क्योंकि अगर माइक ऑन करोगे फिर अगर आप यहाँ पर, अगर हमें 10 स्टूडेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन है सभी बोलेंगे तो फिर आवाज ऐसे गूंज जाएगी यहाँ पर, इसलिए माइक को तो क्या रखना है, ऑफ रखना है और साथ में आपको बोलते रहना है, क्योंकि बोलने से क्या होगा कि आपका ध्यान एक दूसरी जगह जाएगा नहीं, पूरा ध्यान क्लास में रहेगा और बहुत हम आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ, बोलते जाओ और आपको सारी बातें याद होते, ठीक है। देखिएगा 17 में 2 ऐड किया कितना आ गया, 19। 17 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 19 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद में क्या करना है, जब आपने डिजिट्स का सम कर लिया या अंकों का योग कर लिया, उसके बाद में इस डिजिट्स के सम के अंदर या इस योग के अंदर आपको क्या करना है, 3 का डिवाइड करना है, 3 का भाग करना है। चलिए 19 में या 19 में 3 का डिवाइड करो, 3 का भाग दो, बताओ कितना आएगा। आपको वैसे जब 19 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 19 3 5 जै 15, 3 6 जै 18 और हमारे साथ में कितना रह गया, 1 नीचे। अब बताओ क्या इसका रिमाइंडर या शेषफल 0 है, आप कहोगे इसका जो शेषफल या इसका जो रिमाइंडर है वो सर इसका तो 0 नहीं है। अगर किसी भी नंबर का शेषफल या रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मींस कि वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, वो नंबर उस नंबर से पूर्णतया विभाजित नहीं है। इसका मतलब कि 19 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मींस कि 19 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मीन्स कि ये वाले नंबर भी इससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब इसका सम ही इससे 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी क्या नहीं है, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं। अब बताओ क्या करें ये 3 से डिविजिबल हो जाए। आप कहोगे सर आपके साथ में सामने जो 19 लिखा है ना, इस 19 के अंदर 1 जोड़ के देखो, तो हमने 1 ऐड किया कितना आया, 20। क्या 20 में 3 का भाग जाएगा, आप कहोगे सर ये भी नहीं हो सकता 20 में 3 का नहीं जाएगा। 19 में 2 ऐड किया कितना आया, 21। क्या 21 में 3 का जाएगा, 21 में 3 का जाएगा, आपको सर 21 में 3 का 7 टाइम जाएगा, क्योंकि 3 7 जाए 21, 3 7 21, इसका मींस कि अगर इसके आगे अगर 2 और लिखा होता, अगर इसके आगे 2 और लिखा होता या फिर इस नंबर में आप 2 और ऐड कर दो, इस नंबर में क्या कर दो, 2 और ऐड कर दो, इसका मतलब कि इसको आप 3 4 4 बना दो, या फिर इस नंबर के आगे 2 और लिख दो, या इस नंबर के अंदर आप 2 और ऐड कर दो, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगी आपकी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ से आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लिए, कौन से, कि आपको अगर लिखा जाए कि आप बताइए कि 4 6 3 4 2 में
ऐड किया जाए या क्या जोड़ा जाए कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाए, थ्री से डिविजिबल हो जाए या तीन से विभाज्य हो जाए। तो आपने क्या करोगे, सबसे पहले इसका संख्या डिजिट्स का कितना है 19, तो आप कहोगे सर 19 में हमने 2 और ऐड कर दिया, कितना कर दिया 2 और। इसका मींस कि इस नंबर में अगर आप 2 और ऐड कर देते हो, यानी 3 जोड़ 2 और जोड़ देते हो, तो ये नंबर आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। या फिर आपके सामने ऐसे लिखा होता, जैसे यहाँ पर स्टार लिखा होता, मान लो ये स्टार लिखा हुआ है, अब आपसे पूछे कि स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहोगे सर जब हमने इन स्टार्स के अलावा सभी डिजिट्स का अगर सम किया तो हमारे पास में आया 19 टोटल। अब 19 में हम 2 और ऐड कर देते तो इसका मींस कि इसमें यहाँ पर कौन सा और आ जाता, 2 और आता था, तो हम क्या करते इसमें ऐड कर देते। तो इस तरह आप स्टार का भी पता कर सकते हो या ऐड का भी पता कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि आप ये बताओ कि इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या घटाया जाए कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, तो आपको कहे सर जब हमने रूल ऑफ 3 लगाया, इसका मींस कि इसके डिजिट्स का, सभी डिजिट्स का हमने सम किया, सभी अंकों का योग किया, जो हमारे पास में निकल कर आया 19, अब बताओ उसमें से कितना माइनस करें। आपको कहे सर माइनस 1 करने पर आ जाता है हमारे पास में 18 या 18 आ जाता है इसका, और 18 में हमारे पास में 3 का पूरा पूरा भाग भी जाता है, यानी 18 में 3 का कंप्लीटली डिविजिबल ही है। इसका मींस कि इस नंबर में से क्या माइनस कर दें, आपको कहे सर माइनस 1 माइनस कर दो, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 को इसमें से घटा दो, तो ये नंबर आपके 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऐड करना भी पूछे तो भी पता चल जाएगा जब वो नंबर किससे, 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य हो, या फिर आपको स्टार का क्वेश्चन दे या फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कराए तो भी आप आसानी से कर दोगे। लेकिन रूल ऑफ 3 पता होना चाहिए, वो क्या है, किसी भी नंबर के डिजिट्स को सम करो, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद में सम कर लिया, आप ऐसे में जोड़ कर लिया, उसके बाद में वो जो आपके पास में सम या योग जो निकल कर आया है उसमें आप 3 का भाग दे दो, क्या कर लो 3 का भाग, यानी कि उसको 3 से डिविजिबल कर लो, कर लिया। उसके बाद में देख लो क्या उसमें जब 3 का डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल या रिमाइंडर 0 रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अगर रिमाइंडर या शेषफल 0 रहा, आपने जैसे 19 में 3 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं रहा, जबकि पीछे हमने क्या किया था, इसके अंदर जब सम किया 21 में 3 का डिवाइड किया तो यहाँ पर 0 रह रहा था। अगर आपके पास में शेषफल या रिमाइंडर 0 रह जाए, किसमें, डिजिट्स के सम में, अंकों के योग में, तो वो पूरी नंबर क्या होगी, आपके 3 से विभाज्य या 3 से डिविजिबल होगी। अगर वो सम शेषफल या रिमाइंडर 0 नहीं रहे, इसका मींस कि वो नंबर आपकी क्या नहीं है, एक बार क्लास को लीव कीजिए और फिर क्लास को वापस ज्वाइन कीजिए, है ना, इमीडिएट। फिर एक सेकंड, मेरे को पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कीजिएगा, अगर फिर भी सेम प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे को वापस बता देना, चलिएगा। एक बार मैं 3 का रूल बता दूं, फिर मैं सभी से पूछ लूंगा कि जिनको समझ में आया नहीं है। डिजिट्स के सम में या अंकों के योग में 3 का डिवाइड करना है, अगर शेषफल आपके पास में रिमाइंडर आपके पास में 0 नहीं रहे, 0 के अलावा कुछ और रहे, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर रहे लेकिन 0 नहीं हो, तो क्या होगा, वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी कि उसके अंदर 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो मैंने रूल ऑफ 2 दिखाया, रूल ऑफ 3 दिखाया, एक बार मैं सभी स्टूडेंट से थोड़ा सा देख लेता हूँ, पूछ के क्या रहता बताओ। अगर किसी को भी रूल ऑफ 3 में कुछ भी बात पूछने तो अपना हैंड रेज कर दो। अगर रूल ऑफ 2 और रूल ऑफ 3 2 के नियम में या 3 के नियम में अगर कोई भी बात पूछनी हो तो अपना हाथ ऊपर कर दीजिए कि सर मेरे को ये बात पूछनी है। अंश मिटेश भाई एक बार अपना माइक ऑन कर सकते हो, इतने लेट कैसे गए आप? सर हम बाहर गए थे। चलिएगा, आपने रूल ऑफ 2 रूल ऑफ 3 देख लिया? यस सर। ठीक है, अब माइक ऑन, माइक ऑफ करो। चलिएगा फटाफट, जिन स्टूडेंट्स को रूल ऑफ 2 रूल ऑफ 3 में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, जैसे अभी पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स, फटाफट अपना हैंड रेज कर दो, मैं फिर उनसे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आगे चलता हूँ, जल्दी करो। चलिए शुभम अपना माइक ऑन कर कीजिए। सर मुझे 2 में डाउट है, रूल ऑफ 2। बोलो क्या बताएं रूल ऑफ 2 में आपको? सर जो
मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो रूल ऑफ टू क्या होता है, किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट या इकाई का अंक जो होता है वो आपका 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, फिर उस नंबर के अंदर वो 2 से कंप्लीटली वो डिविजिबल होगा, 2 से तुरंत विभाज्य होगा। अब बताओ क्या और क्या डाउट है आपको, शुभम बताइए और क्या आपका आपका क्या डाउट है? सर नहीं है डाउट अब, नहीं है। चलिए आगे बढ़े, हैंड रेज कर दीजिए सर, आगे बढ़ो, जो स्टूडेंट्स कहते हैं सर आगे बढ़ो, हैंड रेज कर दो जल्दी सी कि हाँ सर आगे चलिए, हमें यहाँ तक का समझ में आ गया, जल्दी जल्दी वो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कर दीजिए जो ये कह रहे हैं सर आगे चलिए, यहाँ तक हमें समझ में आया हुआ है। राधिका और आयुष आपका हैंड रेज नहीं हुआ, क्या आपको समझ में नहीं आई बातें अभी तक की? जल्दी कीजिए फिर मैं आगे चलता हूँ। आयुष आपका भी हैंड रेज नहीं हुआ है, चलिएगा सभी अपने हैंड डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो ठीक है। अब पूरे ध्यान से देखिए और रूल ऑफ फोर देखिए, रूल ऑफ फोर चार का नियम बहुत इजी नियम है। कोई भी आपके पास में जो नंबर है उसका एक तो वंश डिजिट, एक टेंथ डिजिट, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, जो आपको आसानी से पता है कि वंश डिजिट कौन सा होता है और टेंथ डिजिट कौन सा होता है, ठीक है। इकाई का अंक या दहाई का अंक, वंश डिजिट या टेंथ डिजिट आप शायद ले लो, उन दोनों से एक नंबर बना, फिर उस नंबर के अंदर फोर का डिवाइड कर लो, किसका? फोर का, किसमें? उसके जो वंश और टेंथ डिजिट से जो नंबर बनी है, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों को बना मिलाकर आपने एक नंबर बनाई है, और उस नंबर में फिर क्या कर देना है, चार का भाग दे देना है, फोर का डिवाइड कर देना है। अगर आप फोर का डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद में आपके पास में अगर रिमाइंडर या शेषफल जीरो आ जाता है, अगर रिमाइंडर या शेषफल क्या आ जाता है, जीरो, तो वो नंबर क्या होगी आपकी, फोर से डिविजिबल होगी, चार से भाज्य होगी। या फिर अगर आपके वंश या टेंथ डिजिट पर अगर आपके सामने जीरो लिखा, डबल जीरो लिखा है, दोनों जगह जीरो जीरो है, डबल जीरो, तो भी वो नंबर क्या होगी आपकी, चार से भाज्य होगी, फोर से डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ 36428, यहाँ पर जब इसका वंश या टेंथ डिजिट हमने हमने देखा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इकाई और दहाई की जगह 248, तो यहाँ से एक नंबर कौन सी बन गई, 28 बन गई, 28 बन गई, 28 में 4 का डिवाइड किया तो हमें पता चला कि सर 7 टाइम्स आएगा, क्योंकि 4 7 28, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा, इसलिए हमारे पास में जो शेषफल या रिमाइंडर कितना रहेगा, आपको कहे सर ये तो हमारे पास में जीरो रहेगा। जैसे अगर हम भाग करके देखें तो यहाँ पर 7 बार यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आ गया, जीरो। इसका मीन्स कि अगर इसके वंश या टेंथ डिजिट से जो आपने नंबर बनाई है, इकाई या दहाई से जो संख्या बनाई है, अगर उस नंबर में 4 का कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, यानी वो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, सॉरी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूरी नंबर भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी, 4 से भाज्य होगी, चलिएगा। एक यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब देखो पहला एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल के वंश या टेंथ डिजिट लें तो कितना मिलेगा, 21। क्या 21 में 4 का डिवाइड जाएगा, क्या 21 में 4 का भाग जा सकता है? आपको सर भाग तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास में शेषफल रिमाइंडर जीरो नहीं रहेगा। अब जब शेषफल रिमाइंडर जीरो नहीं रहेगा तो क्या इस नंबर में 4 का भाग जाएगा, क्या 4 से डिविजिबल होगी? आपको सर नहीं हो सकती, क्योंकि जब इसके वंश या टेंथ डिजिट से इकाई या दहाई के अंकों से बनाई हुई नंबर में 4 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये नंबर कैसे आपकी चार... एक बार क्लास को लीव कीजिए भाई, फिर वापिस ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अगर सेम प्रॉब्लम क्या आपने क्लास को, सही से आ रही है, आगे बढ़ू, आवाज सही से आ रही है? अभी जिन्होंने मेरे को कहा था आवाज नहीं आ रही है, क्या अभी आवाज सही से आ रही है? तो आपको कि सर जब इसके वंश या टेंथ डिजिट से इकाई या दहाई से बनाई गई संख्या में ही 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में 4 का भाग नहीं जा सकता, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल, इसके जब वंश या टेंथ डिजिट से देखा हमने तो यहां से निकल कर आया 30, 30,
क्या 30 में 4 का भाग जाता है, क्या 30 में 4 का डिवाइड दे सकते हो? आप कहोगे सर डिवाइड तो जाएगा लेकिन रिमाइंडर आपके पास में जीरो नहीं रहेगा, और जब तक किसी भी नंबर में डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर जीरो नहीं रहे, शेष फल जीरो नहीं आए, तो वो नंबर कभी भी उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जब इसके वंस और टेंस डिजिट से इकाई और दहाई से बनाए की संख्या में ही 4 का भाग नहीं जा रहा, 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, बताओ कितना इजी रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 96800, आपको सर हमें तो वंस और टेंस डिजिट इकाई और दहाई के अंक पर 00 मिल गए, और 00 दिखते तो हम तो सीधा कहते हैं कि इस नंबर में तो 4 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि आपने तो सिखाया है कि या तो उस जगह 00 आ जाए किसी भी नंबर के लास्ट में, या फिर ऐसे दो नंबर्स निकाल लें कि जिसके अंदर 4 का डिवाइड जाता हो गया का? नेक्स्ट क्वेश्चन 57424, आपको सर हम वंस और टेंस डिजिट को उठाते हैं, इकाई और दहाई के अंकों को साइड लेते हैं, हमारे पास में बना 24 यानी कि 24, चलिएगा 24 में भाग दिया कितना निकल कर आया, आपको सर 6 टाइम पूरा डिवाइड जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, शेष फल भी जीरो रहेगा यानी कि रिमाइंडर भी जीरो रहेगा। अगर आपका वंस और टेंस डिजिट इकाई और दहाई के अंकों से बनाई गई एक संख्या में अगर 4 का डिवाइड हो रहा है तो पूरी नंबर में भी क्या होगा, 4 का डिवाइड होगा, इसका मतलब कि ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जब आपने वंस और टेंस डिजिट से एक नंबर बनाई, इकाई और दहाई से एक संख्या बनाई, तो आपके पास में निकल कर आया 32 या 32, और 32 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो एक कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूर्णतया विभाजित होगी, इसका मींस कि रिमाइंडर जीरो रहा, शेष फल जीरो रहा, तो ये नंबर भी क्या होगी आपकी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि 4 का नियम तो बहुत आसानी से समझ गए, बस दो ही बात याद रखनी है, वंस और टेंस डिजिट इकाई और दहाई के अंकों से बनाओ एक संख्या और उसमें 4 का भाग दे दो, 4 से डिविजिबल कर दो, अगर चला गया तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगी, या फिर लास्ट में 00 ढूंढ लो, दोनों बातें याद कर लो, ठीक है। रिवीजन आपको करना ही है क्लास का, और रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए आ जाएगी। रूल ऑफ 5 बहुत ईजी रूल है, रूल ऑफ 5 या 5 का नियम, क्या देखना है, किसी भी नंबर का वंस डिजिट देखना, कौन सा देखना है, इकाई अंक देखना है, कौन सा देखना है, वंस डिजिट या इकाई अंक देखना, क्या देखना है वहां पर, 0 या 5 देखना है, क्या देखना है, 0 या 5, कहां पर, वंस डिजिट पे या इकाई अंक पे, चलेगा अगर आपको 0 या 5 मिल जाए तो उस नंबर में 5 का डिवाइड होगा, 5 का भाग जाएगा, पहले में क्या था 0, इसमें कितना है 5, यहां पर कितना है 2, तो 2 होने पर क्या होगा, 2 होने पर तो 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 5 के लिए तो एक ही कंडीशन है, वंस डिजिट या इकाई के अंक पे आपके पास में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगी, 5 से विभाज्य होगी, चलेगा। ये 5 रूल हमने पूरे देख लिए, 5 का नियम भी देख लिया, 3 का नियम देख लिया, 4 का नियम देख लिया, 2 का नियम देख लिया, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 5। मुझे फटाफट से एक रिव्यू दे दीजिए कि रूल 2, 3, 4, 5 जिनको समझ में आ गया वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर आगे बढ़ सकते हो। रूल नंबर 2, 3, 4, 5 जिनको समझ में आ गया वो अपना हैंड मुझे बता सकते हैं कि सर आप आगे बढ़ सकते हो। भूमि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई? भूमि, देवांश और राधिका, पहले भूमि अपना माइक ऑन करके बताओ कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, चलेगा। देवांश आप बताइए कौन सी बात समझ में नहीं आई। देवांश आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। राधिका माइक ऑन करके मुझे बताइए कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही। राधिका, अच्छा भूमि को बात समझ में आ गई, ठीक है। राधिका आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, अपना माइक ऑन कीजिए और माइक ऑन करके मुझे बताइए कि आपको कौन सी बात नहीं समझ में आई, ठीक है। राधिका को समझ में आ गई। अभी आयुष अभी जुड़ रहे हैं। देवांश बताइए आपको कौन सी बात समझ में नहीं है। देवांश देवांश बताइए कौन सी बात समझ में नहीं है आपको।
देवांश अपना सर माइक सब ऑन समझ करिए, में। तो फिर हैंड रेज कीजिए ना, सब समझ में आ गया तो फिर मैं उसी से बता करूंगा, मैं माइक ऑन थोड़ी करवाऊंगा सभी से एक एक। ठीक है ओके, तो सभी बात सभी को समझ में आ गया। अभी हमारे पास में कुछ मिनट्स और हैं, तो हम एक काम करते हैं, सिक्स का रूल देख लेते हैं, सिक्स का और एट का रूल देख लेते हैं। चलिएगा सिक्स और एट का रूल देख लेते हैं, बहुत ही इजी रूल हमारे पास में सिक्स और एट का। सर सेवन का भी करवा दो। सेवन का करवाऊंगा, थोड़ा सा सेवन का इसलिए नहीं करवाऊंगा आज, क्योंकि आज अपने पास में थोड़ा टाइम कम है, तो मैं सेवन का करवाऊंगा आपको कल। थोड़ा सा उसमें आपके लिए समझने के लिए थोड़ा ज्यादा, उस सेवन के अंदर आपको थोड़ा उसमें समझना ज्यादा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि सेवन के रूल को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और मुझे भी उसके अंदर बार बार आपको बताना पड़ेगा सेवन के रूल में। तो मैं सेवन का रूल आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन कल करवाऊंगा सेवन का रूल। आज मैं आपको सिक्स का रूल और एट का रूल इसलिए करवाऊंगा क्योंकि सिक्स का रूल बहुत ईजी है, और फिर बात करें एट का रूल, वो तो उससे भी ईजी है। चलिए अपना हैंड डाउन कर लो सभी स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। और हमारे अभी रिधिमा नहीं जुड़ी, सभी अपना हैंड डाउन कर लो, ठीक है, हर्ष राधिका अपना हैंड डाउन कीजिए। चलिए अब देखिए रूल नंबर सिक्स पे देखते हैं, रूल नंबर सिक्स को देखते हैं, रूल ऑफ सिक्स या छह का नियम देखते हैं। बहुत इजी रूल है आपको, तो सर बस इतना सही करना है क्या, ये तो वैसे ही कर देंगे। देखो रूल ऑफ सिक्स, रूल ऑफ सिक्स या छह का नियम, पूरे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, आपको सर बस इतना सा था, ये तो ये लो, ये तो हो गया हमारा रूल ऑफ सिक्स। मैं जैसे जैसे लाइन लिखूंगा ना, लाइन लिख दे आप, आपका ये रूल हो जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलोगे इसको, क्योंकि आपको तो पता है ये जो लाइन बनी है, लाइन इसलिए नहीं बनी, थोड़ी सी स्क्रीन को साफ कर रहा हूँ। चलिए पहले इन लाइन को हटाते हैं, ये लाइन को हटा दिए। अब देखो रूल ऑफ सिक्स क्या होता है, देखो अगर आपके सामने लिखा हुआ है सिक्स, क्या लिखा हुआ है सिक्स, तो आप सिक्स को क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, आपको भी सर सिक्स का मीन्स होता है टू मल्टीप्लाई थ्री, टू मल्टीप्लाई थ्री। इसका मीन्स कि अगर किसी भी नंबर में, जैसे मान लो ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर है, मैं मान लेता हूँ नंबर है हमारे पास में एन, और इस एन में किसका डिवाइड करना है, आपको सर सिक्स का डिवाइड करना है। तो अगर आपको किसी भी एन नंबर में या एन संख्या में अगर छह का भाग करना है, सिक्स का डिवाइड करना है, तो उस नंबर में आप टू का रूल लगाओ और उस नंबर में थ्री का रूल लगाओ। उसमें अगर तीन या दो का, दो और तीन दोनों का अगर उसमें रूल लग जाए, दोनों का लगना चाहिए, ये बात याद रखना, किसका लगना चाहिए, दोनों का, ऐसे नहीं केवल टू का है केवल थ्री का, क्योंकि सिक्स का मीन्स क्या होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री होता है। अगर किसी नंबर में रूल ऑफ टू और रूल ऑफ थ्री, दो का नियम और तीन का नियम अगर दोनों अप्लाई हो जाते हैं, यानी कि दोनों को, दोनों का हमारे पास लग जाते हैं, यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर उसमें दो का भी भाग चला जाए, अगर उस नंबर में तीन का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू और कम्प्लीटली डिविजिबल बाई थ्री, अगर ये दोनों हो जाए, तो वो नंबर क्या होगी, आपकी सिक्स से डिविजिबल होगी, छह से वो क्या होगी, भाज्य होगी, वो सिक्स से डिविजिबल होगी। हो गया सबको रूल याद, क्या करना है, अगर सिक्स का रूल पता करना है तो उसके अंदर टू का रूल लगा के देख लो, थ्री का रूल लगा के देख लो। अब आपको सर रूल कैसे लगाएंगे, देखो ऐसे लगाएंगे, एक लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लिखा मैंने 8 7 4 3 2, ठीक है, हमें ये पता करना है कि इस नंबर में क्या सिक्स से ये डिविजिबल है या नहीं। चलिए आपको भी सर सबसे पहले इसमें रूल ऑफ टू पता करते हैं, तो रूल ऑफ टू क्या कहता है कि किसी भी नंबर का जो वंस डिजिट है या इकाई का अंक है, उसके अंदर 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, आपको कहे सर यहाँ पर तो 2 है वंस डिजिट या इकाई के अंक पे, तो यहाँ पर रूल ऑफ 2 तो ये काउंट हो गया। रूल ऑफ 3, इसके सभी डिजिट्स का सम कर लो, क्या कर लो, सभी डिजिट्स का सम कर लो, यानी कि इसके जो अंक है उन अंकों का योग कर लो,
और उनका जो संख्या योग करने के बाद में उसमें थ्री का डिवाइड कर लो। चलिए आपको कि सर 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 ये सभी इसके डिजिट्स हैं। चलो 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 15। आपको फिर एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा टाइम बचेगा उसके अंदर आज आपको थोड़ा सी डिवाइड सिखाऊंगा कि डिवाइड जल्दी कैसे करते हैं। 15 प्लस 4 कितना होता है, 19, 19 होता है। 19 और 3 19 और 3 कितने होते हैं, आपको कि सर ये तो हमारे पास में 22 होते हैं। उसके बाद में 22 और 42 कितने होते हैं, 24, 24 हो जाएंगे। तो हमारे पास में टोटल सम या डिजिट सम या अंकों का योग कितना आया, 24। क्या 24 में 3 का डिवाइड जा सकता है कम्प्लीटली, आपको कि सर कम्प्लीटली डिवाइजिबल जाने का मतलब एक ही है कि उसका जो शेषफल है या उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास में जीरो रहना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 24 में 3 का डिवाइड करो तो आपको सर 8 टाइम्स और हमारे पास में कितना रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मीन्स कि ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब कि इसके अंदर 3 का भी भाग जा रहा है। अब बताओ ये एक ऐसे नंबर हो गया ना जिसके अंदर 2 का भी रूल लग रहा है और ये इसके अंदर 3 का भी रूल लग रहा है, तो इसका मीन्स कि इसके अंदर किसका रूल अप्लाई होगा, आपको कहे सर 6 का अप्लाई होगा, यानी कि इसके अंदर 6 का नियम लगेगा। इसका मतलब कि ये संख्या 6 से पूरी पूरी भाज्य होगी। हो गया 6 का रूल। एक मैं आपको सिखा देता हूँ 8 का रूल ऑफ 8, 8 का नियम रूल, बहुत इजी रूल है, देखना रूल ऑफ 8 जल्दी से, फिर मैं दोनों की बात साथ देख लूंगा थोड़ा सा ना। रूल ऑफ 8 यानी कि 8 का नियम, बहुत इजी नियम है आपको कहे सर, ये भी इतना इजी है, ये भी हमें याद हो गया। देखना आपके पास में कोई भी नंबर किस रूप में रहती है, आप सर हमारे पास में कोई भी नंबर डिजिट्स में होती है यानी अंकों में होती है, ठीक है। जब हमने 4 का रूल देखा था, रूल ऑफ 4, उसमें क्या किया था, आपके सामने कोई भी नंबर होती थी उसके वंस और टेंस डिजिट हम ले लेते थे, ये तो करते थे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर वंस टेंस और 100 तीनों डिजिट लेनी है, किसमें, 8 के में, और केवल 4 में किसमें लेनी है, 4 में केवल वंस और टेंस लेनी है, जबकि 8 में क्या लेनी है, 8 में आपको वंस एक तो कौन सी लेनी है, वंस जिसे कहते हैं इकाई, एक लेनी है टेंस जिसे कहते हैं दहाई, और एक कहते हैं हंड्रेड जिसे कहते हैं सैकड़ा। तो इस तरह आपको तीनों नंबर यहाँ पर मिला लेनी है और फिर यहां से आपके पास में एक नंबर बन जाएगी। इस नंबर में फिर आपको क्या करना है, जैसे 4 में 4 का डिवाइड किया था, यहाँ पर 8 का डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, और पूर्णतः विभाजित है कम्प्लीटली डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है, आपको कहे सर एक ही कंडीशन है, रिमाइंडर या शेषफल आपके पास में जीरो रहना चाहिए बस। तो ये क्या होगी, ये नंबर आपके पास में 8 से होगी, या फिर जैसे 4 में यहाँ पर क्या होते थे 00, इसी तरह 8 के रूल में अगर लास्ट में 000 है तो वो नंबर क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बातें समझ में आ गई, एक नंबर लिख के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, और एक नंबर यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा आपके सामने एक नंबर लिखी हुई है और नंबर है 4554558 72, और हमें यहाँ पर पता ये करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या। देखो आप अभी अभी क्या सीख गए हो, वंस टेंस हंड्रेड, इकाई दहाई सैकड़ा, चलिएगा चेक करते हैं वंस टेंस हंड्रेड, क्या ये तीनों तो हो गई, इन तीनों को ले आते हैं बाहर, ये ले आए। अब इसमें क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए भाई एरो कम कर देते हैं छोटी, 8 का डिवाइड करो, अब सर 8 बन गया 8, यहाँ पर रहा 0, ऊपर से लाए 7, अब देखो 7 छोटा हो गया तो क्या लगा देंगे 0, क्योंकि भाग टूट गया ना, डिवाइड ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ से 7 लाए तो छोटा नंबर आ गया 2, तो 8 9 72, 8 9 कितने होते हैं, 72 होते हैं। चलेगा कितना रहा लास्ट में शेषफल, कितना रहा रिमाइंडर, कितना रहा, आपको सर 0। अगर आपके पास में रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है, तो इसका मीन्स कि ये नंबर आपकी 8 से डिविजिबल है। तो अगर ये आपके पास ये वाले नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये वाले पूरी नंबर भी 8 से डिविजिबल है, या फिर यहाँ पर क्या होता 4 5 5 0 0 0 होता, तो भी ये नंबर क्या होती, 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप जल्दी से मुझे एक फीडबैक दे दो, जब तक ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ तब तक आपसे मैं फीडबैक ले लेता हूँ, थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ से सेव में लगा देता हूँ, ये होने लगेगी सेविंग, और आप मुझे फीडबैक दे दो
को रूल ऑफ टू, रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ फोर, रूल ऑफ फाइव, फिर सिक्स और एट, इतने रूल जिनको समझ में आ गए वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। अब रिधिमा अभी जुड़ी है हमारे साथ में, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एट, ये रूल जिनको समझ में आ गए वो बता दो। रिधिमा एक बार माइक ऑफ करना, माइक ऑन करना, सॉरी रिधिमा माइक ऑन करना। यस सर। आपको रूल ऑफ टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एट सारे रूल समझ में आ गए? सर सिर्फ रूल ऑफ एट ही समझ में आया है। रूल ऑफ टू? यस सर। थ्री? नो सर। फोर? नो सर। आपने कल वाली क्लास देखी थी? सर कल तो क्लास नहीं हुई थी। सॉरी मेरी लास्ट क्लास देखी थी आपने, जिसमें मैंने ये रूल ऑफ टू थ्री फोर सिखाए थे? सर आज का जो आप बोल रहे वो मैंने नहीं सिखा, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे थे रूल ऑफ एट तब मैंने ज्वाइन किया था। नहीं नहीं आज नहीं, मैंने फ्राइडे को क्लास ली थी, वो वाली आपने देखी थोड़ी थी? यस सर। मैंने फ्राइडे को क्लास ली थी, उसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे, टू थ्री फोर फाइव, वो वाली क्लास देखी थी आपने? यस सर। ठीक है, तो आपको रूल ऑफ कौन कौन सा समझ में नहीं ये बता दो मेरे को, मैं बता बट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सर रूल ऑफ थ्री फोर फाइव सिक्स। फाइव सिक्स चलिएगा, माइक ऑफ करो। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपना हैंड डाउन कीजिए, और अभी वो स्टूडेंट्स बता दीजिए जिन्हें भी कोई भी रूल सीखना हो। चलो सबसे पहले एक काम करता हूँ, वापिस से रूल बता देता हूँ, सभी रूल्स एक बार का रिवाइज करवा देता हूँ, आपका भी रिविजन हो जाएगा और रिधिमा को भी समझ में आ जाएगा। तो पूरे ध्यान से देखना है और अभी के अभी याद करना। देखो क्लास को लीव नहीं करना है, कुछ स्टूडेंट्स क्लास को लीव कर रहे हैं, लीव नहीं करना क्योंकि मैं आज आपको टाइम देखता हूँ थोड़ा सा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ अभी तो देखो अभी तो टाइम ही नहीं, अपना सेवन कहाँ बच गए। थोड़ा सा मैं आज आपको एक तो प्राइम नंबर सिखाने वाला हूँ बची हुई, और साथ में आपको कुछ एडिशन का सिखाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए फटाफट रिवाइज कराता हूँ, और ये फाइल अभी सेव हो रही है थोड़ी सी, तब तक मैं ऐसे ही सिखा देता हूँ। देखो रूल ऑफ टू में हमने क्या, चलो फाइल भी सेव हो गई, चलिएगा अच्छी बात है। अब हम चलते हैं रूल ऑफ टू पे फटाफट से, ये हमारा आ गया रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, ये रहा रूल ऑफ टू। चलिए रूल ऑफ टू क्या कहता है, दो का नियम क्या कहता है कि किसी भी नंबर का आपको क्या देखना है, वंस डिजिट देखना है। कौन सा देखना है? वंस डिजिट या एकाएक अंक देखना है, और उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, जीरो टू फोर सिक्स एट होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो वो नंबर क्या होगी, टू से डिविजिबल होगी, दो से विभाज्य होगी, ठीक है? एक सेकंड, रिकॉर्डिंग तो ऑन रह रही है ना, ये तो नहीं होगी, रिवाइज किससे करोगे? चलो आप रिकॉर्डिंग में रिवाइज कर लोगे। चलिए अब देखो, तो रूल ऑफ टू आपको समझ में आ गया कि वंस डिजिट पे एकाएक अंक पे क्या होना चाहिए, जीरो टू फोर सिक्स एट, जीरो दो चार चार आठ होना चाहिए, तो उस नंबर में क्या होगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी, किससे, टू से, वो दो से विभाज्य होगी। अगर कोई नंबर दो से विभाज्य है या दो से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर एक क्या होती है, इवन नंबर या सम संख्या होती है। इसका मीन्स कि इवन नंबर या सम संख्या के लिए भी कंडीशन कौन सी होगी कि उस नंबर का वंस डिजिट या इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जीरो टू फोर सिक्स और एट होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ थ्री क्या कहता है। रूल ऑफ थ्री कहता है, देखो यहां से सिखाता हूं, यहां से आपके पास में कोई भी नंबर है या कोई भी संख्या है, उसके डिजिट्स जो होते हैं, डिजिट्स आप सभी जानते हो, कोई भी नंबर डिजिट से बनती है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पर कौन कौन से डिजिट है, आप होंगे सर सिक्स थ्री वन फाइव फोर टू, छह तीन एक पांच चार दो, ये सभी इसके अंक हैं, ये सभी इसके डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स का हमें क्या करना है, आप होंगे सर हमें एक सम कर देना है इनका, यानी इन सभी का क्या कर देना है, योग कर देना है। तो फिर हमने जब इन सभी का योग किया या सम किया तो हमारे पास में आंसर कितना निकल कर आया, 21 निकल कर आया। फिर इस 21 में क्या करना है, थ्री का डिवाइड करना है, ये जो आपके सामने सम या योग लिखा हुआ है इसमें थ्री का डिवाइड तीन का भाग करना है, ये भी कर लिया। अगर आपके पास में थ्री का डिवाइड करने के बाद में अगर शेष पहले रिमाइंडर जीरो आ जाता है, शेष पहले रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, इसका मीन्स कि वो थ्री से कंप्लीटली डिविजिबल है, और वो पूरी नंबर भी क्या होगी, थ्री से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो जिसमें हमने जब डिजिट्स का सम किया तो हमारे पास में कितना निकल कर आया, आप हो गए सर 19 निकल कर आया, कितना निकल कर आया 19, तो क्या 19 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो शेष पहले रिमाइंडर 1 रहेगा, आप हो गए सर शेष पहले रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। तो इसका मीन्स कि शेष पहले या रिमाइंडर 0 नहीं रहा, इसका मीन्स कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है।
तो यहाँ पर नहीं हो सकता। अब अगर आपको थ्री से इसको कंप्लीटली डिविजिबल करना हो, तीन से पूर्णतः इसको विभाजित करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन 19 में अगर 1 ऐड कर दें तब तो हमारे पास में कितना रहेगा 20। तो 20 में तो 3 का डिवाइड जाता नहीं है, क्या 20 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। अगर आप 19 में 2 जोड़ दो, 19 में 2 ऐड कर दो, तो क्या होगा, तो आपके पास में रहेगा 21। तो क्या 21 में 3 का डिवाइड जाता है, 21 में 3 का जाता है, आपको 21 में पूरा पूरा जाता है, 7 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 3 × 7 = 21। 3 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 21 निकल कर आएगा। इसका मीन्स कि शेष वाले रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। इसका मीन्स कि ये नंबर यहाँ पे 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, कब, जब इसमें या तो हम क्या लिख दें, 2 लिख दें लास्ट में, या फिर इस नंबर में क्या कर दें, हम 2 ऐड कर दें, तो ये नंबर क्या हो जाएगी आपके सामने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको कहा जाए कि इसमें से क्या सबट्रैक्ट करें, क्या घटाया जाए, तो आपको क्वेश्चन 19 तो इसका सम होता है डिजिट्स का, अगर उसमें से 1 माइनस करते हो तो 18 आ जाएगा, और 18 में 3 का डिवाइड जा रहा है, 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन -1 करना पड़ेगा, तब ये नंबर क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 3 से भाज्य हो जाएगी। रिधिमा आपको 3 का रूल समझ में आ गया, रिधिमा 3 का रूल समझ में आ गया? यस सर। और किसी स्टूडेंट को अगर 3 का रूल नहीं समझ में आया तभी हैंड रेज कीजिएगा, अगर 3 का रूल नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कीजिएगा। चलिए आगे रिवीजन करवाता हूँ 4 के रूल पे। रूल ऑफ 4 क्या कहता है, देखो रूल ऑफ 4 तो बहुत सिंपल कहता है कि आप केवल किसी भी नंबर के 1 डिजिट और 10 डिजिट साइड में कर लो, इन इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों को मिलाकर एक संख्या बना लो, बना ली, जैसे इसमें कितने बनाए हमने 28 बनाए, उस नंबर के अंदर 4 का डिवाइड कर दो, 4 का भाग कर दिया। अगर उसमें 4 का डिवाइड करने के बाद में, 4 का भाग देने के बाद में अगर आपके सामने रिमाइंडर या शेषफल 0 रहे, जैसे यहाँ पर हमने 28 में जब 4 का डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास में नंबर 28 बने थे, लास्ट के 2 डिजिट्स या 1 और 10 डिजिट क्या थे, 28, इकाई और दहाई का अंक क्या था, 28, तो हमने जब 28 में 4 का भाग किया, 28 में 4 का डिवाइड किया, तो शेषफल रिमाइंडर कितना रहा, आपको वैसे 0। अब 0 रहा, इसका मतलब कि ये देखो शेषफल 0 या रिमाइंडर 0 रहते आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, अगर किसी भी नंबर में आप किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग कर रहे हो, और डिवाइड या भाग करने के बाद में रिमाइंडर या शेषफल 0 रह जाए, तो वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, अब ये किससे, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो क्या याद रखना है, किसी भी नंबर का, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं, किसी भी नंबर के 1s और 10s डिजिट को साइड में करना है, इकाई और दहाई के अंकों को साइड में करना है, जैसे पहले में 21, दूसरे में 30, फिर 00, फिर 24, फिर 32, और फिर उसमें 4 का डिवाइड करना है, जैसे सबसे पहले हमने 21 में 21 में 4 का भाग किया, फिर 30 30 में 4 का भाग किया, फिर 00 थे, फिर 24 में 4 का डिवाइड किया यानी 24 में 4 का भाग किया, फिर 32 32 में 4 का भाग किया। अगर आप जब 4 का डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर या शेषफल 0 रह जाए, जैसे 21 में 4 का किया तो कितना रहा रिमाइंडर या शेषफल, आपको सर 1, 30 में जब 4 का डिवाइड किया तो 2, 24 में जब 4 का किया तो 0, 32 में 4 का किया तो 0, 32 में 4 का भाग किया तो कितना आया 0 आया। अगर आपके सामने रिमाइंडर या शेषफल 0 रह जाए तब तो वो नंबर क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी, अगर 0 नहीं रहे तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगी। या फिर क्या होना चाहिए, इन दोनों जगह 00 होना चाहिए, अगर 00 रह जाएगा क्या है, राधिका अपना हाथ नीचे करो, अंशराज भास्कर आपका हाथ ऊपर है, कुछ पूछना आपको? नो सर। राधिका आपका हाथ ऊपर है, इसका मतलब राधिका आवाज आ रही है मेरी आप तक, राधिका राधिका मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, हाँ ठीक है। चलिए तो लास्ट में अगर 00 भी रह गया तो भी वो नंबर क्या होगी, आपकी 4 से विभाज्य या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, रूल ऑफ 5, ये तो बहुत ही इजी रूल है, किसी भी नंबर का 1 डिजिट या इकाई का अंक क्या देखना है, 0 या 5 देखना है। अगर 1 डिजिट या इकाई का अंक अगर आपके सामने 0 या 5 हो तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी 5 से डिविजिबल होगी।
रूल ऑफ सिक्स, सिक्स को क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई थ्री, दो गुणा तीन लिख सकते हैं ना। इसका मीन्स कि किसी भी नंबर में अगर टू का डिवाइड कंप्लीटली हो, यानी दो से पूरी पूरी भाज्य हो, और वो थ्री से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, तीन से भी वो पूरी पूरी भाज्य हो, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली किससे डिविजिबल होगी, सिक्स से, वो तीन से भी विभाज्य होगी। यानी कि सीधी बात है, किसी भी नंबर में आप टू का रूल भी आपका पूरा होना चाहिए और थ्री का रूल भी पूरा होना चाहिए, यानी कि उसमें दो का नियम भी लगना चाहिए और तीन का नियम भी उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगी आपकी, सिक्स से वो डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हमने देखा, इस नंबर के अंदर जब हमने देखा तो टू का रूल तो कैसे पता चला कि वंस डिजिट पे 02468 02468 आ जाए तो ऑटोमेटिकली दो से विभाज्य होगी, यानी टू से डिविजिबल होगी, और ये काम यहाँ पे हो रहा था। जब थ्री का हमें रूल लगाना था या तीन का नियम अप्लाई करना था तो हमें सबसे पहले उसके डिजिट का सम करना था, और डिजिट का सम करने के बाद में उसमें थ्री का डिवाइड करना था, यानी सबसे पहले उसके अंकों का योग करना है और उसमें अंकों के योग के अंदर तीन का भाग करना है। चलो, हमने 87432 इसके सभी एक डिजिट या अंक हैं, इन सभी का हमने सम या जोड़ कर लिया, फिर क्या बनाए, 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 15 और 4 कितने हो गए 19, 4 और 3 फिर 19 और 3 कितने हो गए 22, 22 और फिर 22 में 2 ऐड कर देते तो कितना आ गया 24 आ गया। यानी डिजिट्स का जब सम किया, अंकों का जब योग किया, तो आंसर निकल कर कितना आया 24। इस 24 या 24 में क्या किया, फिर उसके बाद में तीन का भाग किया या थ्री से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास में शेष पर रिमाइंडर कितना आया, आपको कैसे जीरो आया, तो ये नंबर क्या होगी, इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगी। इसका मींस कि रूल ऑफ टू भी इस पे अप्लाई हो गया, दो का नियम भी इस पे लग गया, और रूल ऑफ थ्री भी इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तीन का नियम भी हो गया। इसका मतलब कि जो 87432 एक नंबर लिखी हुई है, ये टू से भी डिविजिबल है और थ्री से भी डिविजिबल है, ये दो से भी भाज्य है और तीन से भी भाज्य है, इसका मतलब कि ये छह से भी भाज्य है, ये सिक्स से भी डिविजिबल होगा। तो सिक्स का रूल हो गया। एट का रूल में वन से टेंस और हंड्रेड, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी लास्ट के थ्री डिजिट्स हम अलग करो, उससे एक नंबर बनाओ, उस नंबर में एट का डिवाइड करो, अगर उसमें एट का डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी पूर्णतः विभाज्य हो जाए, और इसका मीन्स क्या हो गया कि शेषफल कितना रहना चाहिए जीरो, रिमाइंडर जीरो रहना चाहिए, तो वो पूरी नंबर क्या होगी, ऑटोमेटिकली एट से डिविजिबल होगी। जैसे फोर के अंदर क्या ले रहे थे, लास्ट के टू डिजिट, यहाँ पर थ्री डिजिट लेंगे, इसी तरह फोर के अंदर जब हम किसी नंबर में फोर का डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आना चाहिए, डबल जीरो, जब 8 का डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट में कितने होने चाहिए, 000 होने चाहिए, तो भी क्या होगी, वो 8 से डिविजिबल होगी। जैसे एक नंबर लिखी हमने 455872 लिखी, अब बताओ 872 ये हमारे पास में क्या हो गए, 1 से 10 और 100, इकाई दहाई और सैकड़ा, लास्ट के 3 डिजिट्स हमने साइड कर लिए, 872 में 8 का डिवाइड किया क्योंकि रूल ऑफ 8 हमें अप्लाई करना है, तो 8 का जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आया, तो आपको कैसे जीरो। अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी संख्या का अगर भाग दिया जाए, किसी भी नंबर में किसी नंबर का अगर डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर या शेषफल जीरो आ जाए तो वो नंबर उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। इसका मीन्स कि जब ये 8 से डिविजिबल है तो इसका मीन्स कि ये पूरी नंबर क्या है, आपकी 8 से डिविजिबल है, यानी 8 से ये भाज्य है। इसी तरह इस नंबर में अगर लास्ट में 000 होते तो भी ये नंबर आप क्या कहते कि सर ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 8 से पूरी पूरी भाज्य है। तो ये बात थी पूरी। अब आप एक बार वापस से फीडबैक दे दीजिए मुझे, जिनको सारे रूल समझ में आ गए वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर आप मेरे से कोई सा भी रूल पूछ भी सकते हो, मैं बता भी दूंगा। ये बताओ आप, वो अपना हैंड रेज करें जो ये कह सकता है कि सर मुझे पूरे रूल्स समझ में आ गए, आप तो कोई भी नंबर दो उसमें मैं पता करके बता देंगे। चलिए बताओ, हैंड रेज कीजिए जो जो स्टूडेंट्स को पूरे रूल समझ में आ गए। शुभम बरेला कुछ कहना चाहते हो? सर मुझे 7 का नहीं आया। 7 का तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसको 2, 3, 4, 5, 6 और 8 समझ में आ गए, 7 का तो पढ़ाया ही नहीं अभी। 7 का तो जो कल पढ़ाएंगे आपको, और ऐसा पढ़ाएंगे आपके दिमाग में प्राइम नंबर बता देते कोई एक मिनट। राधिका आपको रूल समझ में नहीं आया? राधिका क्या आपको रूल समझ में नहीं आए? ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स लिख लो। 446 चलो, हमने कहाँ से कहाँ तक लिख लिए थे, 1 to 60 तक हमने लिख लिए थे, आज हम लिखेंगे आगे 61 से लेकर 80 तक लिखेंगे, सारे प्राइम नंबर लिखेंगे, और कल आपको लाइन भी करके लाने हैं क्योंकि प्राइम नंबर आपको 100 तक हमें याद करने हैं, जो हमने आपको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी,
इसके अलावा क्योंकि हमें कुछ और भी तो याद करना था पता हो तो स्क्वायर्स और क्यूब्स हमें याद करने थे, वो भी याद करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पिछले तक नहीं पता क्या मुझे 60 तक प्राइम नंबर नहीं पता। अभी लिखा रहे हैं, पूरे लिखा रहे हैं, कुछ नहीं टेंशन मत लो। प्राइम नंबर्स इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर जो स्टूडेंट लिखना चाहे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, अपना माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। सबसे पहले 1 से 10 पहली लाइन, 11 से 20 सेकेंड लाइन, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। देखो आपका मैं मान रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो मेरे साथ जुड़े हुए वो ये कहेंगे कि सर शाम को तो हम स्कूल से आते हैं थक जाते हैं, हमें खेलने जाना होता है और ऐसी बातें हो सकती है स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि ये टाइम थोड़ा शाम का होता है। लेकिन अब बताओ आप सभी दिन में स्कूल जाते हो तो फिर हम क्लास कब लेंगे, इवनिंग में तो लेंगे, क्योंकि जब तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें इस साल हमें तैयारी करनी है, एक साल हम तैयारी कर लेंगे अगले साल खेल लेना थोड़ा सा। मैं भी मानता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के साथ में ये हो रही है कि आप कहोगे सर स्कूल भी जाते हैं फिर आते हैं फिर थक जाते हैं और शाम को हम खेलने जाते हैं तो इस समय आप क्लास ले लेते हो, तो हमें थोड़ा तो देखो इस साल हमें एफर्ट्स उठाना पड़ेगा, फिर आप सभी नवोदय स्कूल में चले जाओगे वहां पे फिर आराम से रहना। देखिए आप फटाफट से लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ 1 to 10। सबसे पहले कौन सा आएगा, 2, 3, 5, 7। सेकेंड लाइन में 11, 13, 17, 19, 21 से 30, 23, 29, 23 और 29। इसके बाद में आएगा 31, 37, 31 और 37। इसी तरह लिखना है आपको क्योंकि ये याद हो जाएगा, ऐसे लिखोगे। उसके बाद में 41, 43 और 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 41, 43,
64, 67, 61 और 67, इसके बाद में 71, 73 और एक आ जाता है 79। और आपको यहाँ तक याद करके आना है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ तक पता है, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ तक नहीं पता है। जिनको यहाँ तक पता है, 71 से नहीं आता, 71, 73 और 79 आता है। नहीं सर, नहीं आता। आपने 25 लिखवाया है ना, उसमें आता नहीं। 25 लिखवाया उसमें 71 नहीं आता? नो सर। चलिएगा मैं चेक कर लेता हूँ क्या 71 नहीं है क्या। एक मिनट, 71 का डिवाइड करके देखता हूँ। मेरे को हाँ, एक मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ क्या 71 है क्या। ठीक है, 71 कहाँ से है इसमें। एक मिनट, लड़ो मत। देखो भाई, 71 होता है क्योंकि 71 में किसी का डिवाइड नहीं जाता। मैंने चेक भी कर लिया है, 71 एक प्राइम नंबर है। 71, 73, 79 वैल्यू प्राइम नंबर है सर। सर, प्राइम नंबर को चेक करने का फॉर्मूला क्या है? प्राइम नंबर को चेक करने का एक ही फॉर्मूला है, उसमें डिवाइड कीजिएगा। ये इसीलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ ना, वो फॉर्मूले आपसे लर्न नहीं होंगे, थोड़े फॉर्मूले बढ़े, इसीलिए मैं आपको 1 to 100 आपको लर्न नहीं करवा रहा हूँ पूरी पूरी। आपको फिर फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहेगी सर। हर नंबर से डिवाइड करना है? हर नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़ता, उसमें कुछ फिट होते हैं, इसीलिए आपको 1 to 100 आप लर्न कर लो। ठीक है, फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, एक बार क्लासे हो जाए उसके बाद में आप थोड़ा और मैथ के साथ में खेलना सीख जाओगे ना अच्छी तरह, तो फिर मैं आपको किसी दिन आपको मैं प्राइम नंबर का फॉर्मूला ढूंढ के बताऊंगा। वो थोड़ा कंफ्यूजेबल फॉर्मूला होता है, तो इसलिए आप 1 to 100 लर्न कर लो। आपके एग्जाम में 1 to 100 तक आएगी तो आप देख के बता दो कि वहाँ पे प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 71 आपके पास में प्राइम नंबर होता है, 71, 73 या 79। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखना है। एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट चालू रखना ना, मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या आपको दिखाई दे रही है इमेज, अभी देखता हूँ। देखो ये वाले ओपन कर लेते हैं।
कैश में 71 दिखाई दे रहा है आपको, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। सर इसको नोट कर लूं? वैसे नोट कर लो नोट, लेकिन आप ऐसे मत करो नोट, आप करो ऐसे इस, एक सेकंड, आप इस तरह नोट करो इसको, ठीक है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि लाइन आपको इसी तरह होगा। जल्दी से नोट कर लो। सर मैंने कर लिया। सर मैंने भी कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास 30 सेकंड हो रहे नोट करने के। हाँ कर लो कर लो, अभी आपके पास 1 मिनट हो रहे हैं, 1 मिनट बाद में मैं इस स्क्रीन को हटा दूंगा, जल्दी से लिख लो, लिख लो जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको कल आप क्या सिखाएंगे। मैंने गलत लिखा है। कोई बात नहीं, अभी सही कर लो, गलत लिखा है तो। क्लास किस लिए होती है फिर बताओ, एक आपके सामने क्लास या टीचर किस लिए होता है? आपने कुछ चीज सोची, आपने कुछ चीज थिंक की, वो आपने गलत सोचा या सही सोचा, आपने वो टीचर को बताया, अब वो टीचर को आपने जिसे बताया, अगर आपने गलत सोचा तो टीचर आपको सही करा देगा, सही सोचा तो आपको टीचर ये कह देगा नहीं एकदम से सही सोचा। आपने 71 सोचा कि 71 नहीं हो सकता प्राइम नंबर, और मैंने आपको 71 दिखा दी कि प्राइम नंबर होता है, तो अब आपके पास में याद हो गया कि हाँ 71 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए आपके सामने अगर कभी कोई बात आए तो आराम से बेफिक्र बताओ, क्योंकि आप गलत बताओगे तभी तो आप सही सीखोगे। आपके दिमाग में अगर आपने गलत आपके सामने रखी है, आपने नहीं पूछी, तो फिर वो हमें संग ले रह जाएगी। चलिए इस स्क्रीन को हटा देता हूं मैं, ये लीजिए स्क्रीन को मैंने हटा दिया। जिन स्टूडेंट्स ने लिख लिया है और समझ में सब कुछ आ गया, अपना हैंड रेज कर दो कि सर हमें सारी बातें समझ में आ गई। रिधिमा कुछ पूछना आपको? नो सर। ठीक है, अब केवल वही स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कीजिए जिनका जिनको कुछ पूछना है, वो अपना स्टूडेंट हैंड रेज कर दीजिए जिनको कोई भी बात पूछनी है मेरे से, कोई भी डिस्कस करना, कोई भी डाउट है उनका। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है, गुड, ऐसी क्लास होनी चाहिए जिनको सब कुछ आता हो। अगर आपको कभी भी कोई बात आए और आपने नहीं पूछी ना, तो ये मान लेना कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है पढ़ाई वे संबंधित और आपने वो बात मेरे से पूछी नहीं, तो यानी कि आपने वो गलती कर दी है, क्योंकि गलती ऐसे कर दी कि आपने डाउट था वो आपने पूछा नहीं। ठीक है, हाँ मैं एक ये बात बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं वो आज व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना, और जिनको जिनके पास नहीं है लिंक वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मेरे से लिंक ले लेना। सभी मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर हो सकता है मैं आज नाइट में या फिर कल सुबह में आपको डिफरेंट फिगर, जो अपनी मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंट फिगर, उसके मैं 100 क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा। सर बोलो। सर आप बोले कि रोज दो दो चैप्टर जो है, मतलब जो दो 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 क्लासेस करना है अटेंड, जो अटेंड नहीं कर पाए, तो सर मैं 7 o'clock का जब अटेंड करके जब खत्म होगा तो सर होमवर्क कब करूंगा क्लासेस का, स्कूल क्लासेस का? अगर हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ होमवर्क। हाँ ये तो बात कर रहा हूँ, डाउट तो आप पूछो ना। आप कितने बजे आते हो स्कूल से? देखो जिन में